व्हाट्सएप गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर के बारे में। इसका मैं आपको फुल रिव्यू करके बताऊंगा। आपको वीडियो को पूरा देखना, तभी जाके आपको इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा और मैं आपको एक सच्चा और जेन्युइन रिव्यू मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखो और यार अगर कोई भी सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। यार इसको 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसके जो फाउंडर है अच्युत सामंत था, वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजू जनता दल से। अभी उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना गया। पहले वो काफी गरीब थे तो उन्होंने अपनी मेहनत से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ा किया। भुवनेश्वर उड़ीसा में एस्टेब्लिश है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में अब इसको शामिल कर लिया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या होता है कि जिन यूनिवर्सिटीज को आगे जाके गवर्नमेंट वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है उसको गवर्नमेंट की तरफ से बजट मिलता है साल का, तो अब इस यूनिवर्सिटी को भी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में शामिल कर लिया है। तो यार आगे जाके यूनिवर्सिटी का अगर गवर्नमेंट ने चाहा तो इसको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट बना सकती है। 30,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं और ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है जिसपे आपको फोकस करने की जरूरत है कि यहाँ पे 30,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो यार इसको आप जरूर देखो एडमिशन लेने से पहले। 700 पेपर्स को इनका कैंपस है। ए ग्रेड इनको दिया गया नैक के द्वारा। एनआईआरएफ अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो 50 है। इंजीनियरिंग में यार ये 49 इनकी रैंक है। मैनेजमेंट में 30 है, ये गलती से लिखा गया, ये 31 नहीं है, ये 49 है। और लॉ में इनकी रैंक आती है 12। तो आपको एनआईआरएफ रैंकिंग देख के आपको डिसीजन नहीं बना लेना है। और आप मैं आपको कहूंगा कोई भी यूनिवर्सिटी को आप एनआईआरएफ रैंकिंग को देख के आप उसका डिसाइड मत किया करो कि आपको इस यूनिवर्सिटी में जाना है। साथ ही में बहुत कुछ फैक्टर होते हैं जो आपको भी देखने होते हैं। और जो एनआईआरएफ रैंकिंग होती है वो भी यार आपकी जो पर्टिकुलर ब्रांच होती है उसके हिसाब से वो रैंकिंग नहीं देते, वो भी पूरी यूनिवर्सिटी को कंसिडर। एनआईआरएफ रैंकिंग में भी वो पूरी यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज होते हैं उनको कंसिडर करते हैं, उसके बाद आपको ये एनआईआरएफ रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि आपको एनआईआरएफ रैंकिंग को देखते हुए आपको एडमिशन नहीं लेना है। जो इसका एडमिशन होता है वो KIIT EEE के थ्रू होता है। तो ये इनका एंट्रेंस टेस्ट होता है और इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होती है। तो आप इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ये 17 मई इसकी लास्ट डेट है इस साल के लिए। अब जो अगर इसके कोर्सेज की बात करें तो इसके अंदर आपको काफी ज्यादा कोर्सेज मिलते हैं। बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स में भी आपको मिलती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रिकल, एरोस्पेस, मैकेट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन केमिकल इंजीनियरिंग, आपको हर तरीके की सारी आपको ब्रांचेज यहाँ पे मिलती है। तो आप इनको देख सकते हैं आपको कौन सी ब्रांच चाहिए। उसके बाद अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं यार ये यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो यार आपको यहाँ पे लगभग आपकी 20 लाख रुपए फीस लग जाती है पूरे साल की। बीटेक की अगर आप ट्यूशन की बात करें तो 1,75,000 आपकी फीस है। और साथ ही साथ अगर आप आपके हॉस्टल के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो फिर यार हॉस्टल की आपकी अलग अलग फीस है और ये भी आपकी पर सेमेस्टर की आपकी फीस है। तो आप इसको देख सकते हैं। और यार इस यूनिवर्सिटी का जो मेन फोकस है वो ये है कि आपसे तो रुपए निकालते हैं और फिर ये जो गरीब लोगों की जो शिक्षा होती है उसमें ये इतनी ज्यादा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं कि ये जो उड़ीसा की जो रीजनल पॉपुलेशन है जो काफी ज्यादा गरीब लोग है उनको फिर ये आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर ये इस यूनिवर्सिटी का मेन इनिशिएटिव है तो आप ऐसे सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा फीस लेते हैं तो ये ऐसे चाहते हैं कि ये तो गरीब जो लोग है उनको ये आगे बढ़ा पाए। लेकिन हाँ फिर भी इस यूनिवर्सिटी की काफी ज्यादा फीस है। मैं कहूंगा एलपीयू से भी इसकी ज्यादा फीस है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वो भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आप उसका रिव्यू जाके चैनल पर देख सकते हैं। मैच फीस की बात करते हैं 18,000 है। साथ साथ आपको 75,000 एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं, वो आपके काउंसलिंग चार्जेस होते हैं और लैपटॉप ये आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड करते हैं 4 साल के लिए और फिर आपको इनको रिटर्न करना पड़ता है। और ब्लेजर भी आपको प्रोवाइड करते हैं। लैपटॉप जो है उसका अगर आपको खराब हो जाता है तो यूनिवर्सिटी का ICT सेंटर है वहीं पर ये रिपेयर कर देते हैं। टोटल आपकी फीस 20 लाख पड़ती है यार, आप इसको कंसिडर करें एडमिशन लेने से पहले क्योंकि इनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम है। तो इसलिए आपको इसको फीस को देखना चाहिए। ये मैं आपको ये हॉस्टल रूम दिखा रहा हूँ। हॉस्टल रूम आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है और हॉस्टल रूम आपको ठीक मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनका काफी अच्छा है और मैं कहूंगा इंडिया का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फीस इनकी काफी ज्यादा है। स्कॉलरशिप की बात करते हैं, ये स्कॉलरशिप पूअर फैमिली से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको KIIT EEE में आपकी अगर अच्छी रैंक आती है तो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। टॉप 1000 रैंक होल्डर्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए आपको स्कॉलरशिप देते हैं। 1,20,000 पर एनम की आपको स्कॉलरशिप दे देते हैं तो आपकी 3,50,000 आपकी ट्यूशन फीस होती है और उसमें से फिर आपको 2,30,000 की आपकी फीस लगेगी। अगर टॉपर है आप सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड के फिर आपको 1 लाख रुपए की आपकी पर एनम की आपकी स्कॉलरशिप देते हैं। और अगर आपकी रैंक 1 आई है तो अदर कोर्सेज के लिए अगर KIIT EEE में तो फिर आपको 60,000 की स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर फैसिलिटीज की बात करते हैं इनका काफी अच्छा आपकी यहाँ फैसिलिटीज मिलती है। इन्होंने इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को भी KIIT यूनिवर्सिटी ने अभी ऑर्गेनाइज करवाया था। यार स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज काफी अच्छी है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। यहाँ पे इंटरनेशनल गेम्स भी होते रहते हैं, हॉकी वगैरह के, रणजी ट्रॉफी के भी गेम्स होते हैं। तो स्पोर्ट्स में यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा आगे है। लेकिन यार इस यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड है वो पिछले 3-4 साल में काफी ज्यादा गिरा है। पहले फैकल्टीज काफी अच्छी होती थी, अब फैकल्टीज एवरेज ही रह गई है क्योंकि इतना ज्यादा फैकल्टीज ध्यान नहीं दे पाती। और मेन बात तो ये है कि यार यहाँ पे
30,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो फिर आपके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। ओनली कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे आपका 1500 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे, इसलिए फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। कोडिंग कल्चर भी काफी अच्छा नहीं है यहाँ पे, तो आपको खुद अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे है तो ये स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सबसे जो मेन बात है यार कि इस यूनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है वो इंडिया के नंबर टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में इसके आप स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को कंसीडर कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। लेकिन क्या आप स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को यूज कर पाओगे, ये एक सोचने का विषय है, क्योंकि यहाँ पे 30,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो यार उसके बाद फिर आपका जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होता है आप उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, और लास्ट में आपको कोई थोड़ी सी अगर आप बाहर निकलोगे तो फिर आपको वैसा फील नहीं होता है यूनिवर्सिटी जैसा। तो यार ये बात आपको कंसिडर करना है। स्टडी रूम्स या हॉस्टल में प्रोवाइड करते हैं, अनलिमिटेड वाईफाई आपको प्रोवाइड करते हैं, 9,51,630 यहाँ पे बुक्स है इनकी लाइब्रेरी में, स्मार्ट लैब्स है, फूड कोर्ट है, एक्स्ट्राकरिकुलर एक्टिविटीज में आप काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं। और गर्ल्स की हॉस्टल में अंदर आने का समय 7 PM है, उसके बाद ये गर्ल्स को बाहर नहीं रहने देते। अब जो स्पोर्ट फैसिलिटीज है ये इस यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा फेमस है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए, तो आप देख सकते हैं 15 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, एक इनके यहाँ पे एक स्टेडियम है जिसमें 40,000 बच्चे बैठ सकते हैं, स्विमिंग पूल है, सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल, हॉकी कोर्ट इनका काफी अच्छा है, क्रिकेट स्टेडियम BCCI अप्रूव्ड हॉकी स्टेडियम है जो की ग्लोबल कैटेगरी है, FIS के थ्रू ये अप्रूव्ड है, फुटबॉल स्टेडियम, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, हर इनके लगभग 23 कैंपस है, तो हर कैंपस में यहाँ पे इनके एक या दो स्विमिंग पूल है, और हर कैंपस में इतनी अच्छी स्पोर्ट फैसिलिटी जिन्होंने प्रोवाइड की हुई है। इंटरनेशनल चेस हो रहा है यार, ये आप सब कुछ आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर मेन जो बात है यूनिवर्सिटी को आपका एडमिशन लेना है या फिर नहीं, तो उसमें मैं आपको कहूंगा आप एक तो इस यूनिवर्सिटी की फीस को कंसिडर करो, दूसरी बात आप यहाँ की स्ट्रेंथ को कंसिडर करो जो कि 30,000 है, और बीटेक में अकेले में आपकी लगभग 1500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे है। और तीसरी बात जो आपको कंसिडर करनी है वो है कि आपको आपका जो एवरेज पैकेज है आपको उसको कंसिडर करना है कि एवरेज पैकेज, तो इससे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का आइडिया लगेगा। मास्टर रिक्रूटर कंपनीज आती है 4 लाख इनका एवरेज पैकेज, 195 कंपनीज ने इस साल विजिट किया, 30 लाख इनका हाईएस्ट पैकेज गया है, अब तक 20 कंपनीज ऐसी थी जो कि 10 लाख से ऊपर का पैकेज ऑफर कर रही थी। लेकिन यार मेन बात होती है कि वो कंपनीज पैकेज तो आपको 10 लाख से ऊपर का ऑफर कर देगी, लेकिन कितने बच्चे उस पैकेज को ग्रैब कर पा रहे हैं ये मेन बात होती है। तो आपकी जो KIIT है उसमें 20 से 30 बच्चे 10 लाख से ऊपर का पैकेज ले पाते हैं, और इनका हाईएस्ट पैकेज 30 लाख गया था यार, तो ये हाईएस्ट पैकेज भी इतना ठीक नहीं है। मैं कहूंगा हाईएस्ट पैकेज एक दो बच्चों को मिलता है, मेन जो आपको फोकस करना है वो आपको एवरेज पैकेज में फोकस करना है। अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट जैसी काफी बड़ी कंपनी जाती है, लेकिन मेन बात ये होती है कि वो कंपनी सिर्फ एक या दो बच्चों को लेके जाती है, और वो भी यही हाईएस्ट पैकेज आपको प्रोवाइड करती है। तो जो मेन जो बच्चों को लेके जाती है वो आपको मास रिक्रूटर कंपनी लेके जाती है जैसे TCS, कॉग्निजेंट वगैरह। अब मेन जो बात है जो लास्ट में कंक्लूजन आता है वो है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यूनिवर्सिटी का काफी लेस है, तो आपको इस बात को कंसिडर करना है। अगर आप फैमिली अगर आपकी फीस देने के लिए खुश है और आप ड्रॉप निकालना चाहते हो एक साल के लिए, या फिर आपको कोई और अच्छी कॉलेज नहीं मिले, तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी में जाओ, नहीं तो आप इतना ज्यादा रुपए मत लगाओ। 20 लाख रुपए में आपको 4 लाख रुपए तक आपको प्लेसमेंट मिलेगा, और वो भी ये बात है कि इतनी अच्छी कोडिंग कल्चर भी नहीं है, हैकाथॉन वगैरह में भी इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और साथ ही साथ आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, तो आपको इन सब चीजों को कंसीडर करना है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियोस को देखने के लिए आप यूनिवर्सिटी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं यूनिफॉर्म स्टडी चैनल पर। तो यार इन सब चीजों को आपको देख के और आप और यूनिवर्सिटीज को भी आप देख सकते हो। सो हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।